हेलो नमस्कार, काद्यांश कुकिंग में आपका स्वागत है। आज मैं फिर से कुछ ऐसे कमाल के किचन के टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ जो मेरे एवरीडे रूटीन में बहुत ही यूज़फुल होते हैं। तो चलिए देखते हैं कुछ ऐसे यूज़फुल टिप्स जो आपके भी काफ़ी काम आ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले वाला किचन टिप। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास कुछ ऐसी बॉटल रखी है जिसके ऊपर स्टिकर लगा हुआ है और वो बहुत ही जिद्दी है और बहुत ही स्टिकी है, उतर ही नहीं रहा है, तो एक इजी तरीका आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। आप हेयर ड्रायर का यूज़ कर सकते हैं। हेयर ड्रायर को ऑन कर लीजिएगा और फुल हीट पे आप इस पे कुछ 10 से 15 सेकंड के लिए ऐसे ही रहने दें, और जो गर्माहट की वजह से ये स्टिकर का जो गम है, जो ग्लू है, वो ईजिली उतर जाता है। तो आप ये तरीका आज़मा सकते हैं किसी भी ज़्यादा जिद्दी स्टिकी स्टिकर को ईज़िली उतारने के लिए। इसी तरीके से कोई आपके पास कोई ऐसा बड़ा कंटेनर भी रखा हो जिसके ऊपर जो इसका लेबल होता है, जो स्टिकर है, वो उतर नहीं रहा है, तो आप ये तरीका आज़मा सकते हैं। बहुत ही ईजी और बहुत ही क्विक वाला तरीका है, आपकी मेहनत भी नहीं लगेगी और आसान तरीके के साथ में आप इस जिद्दी स्टिकर्स को उतार सकते हैं। और उसके बाद में ये जो चिपचिपापन रह जाता है, जो ग्लू है, उसको आप नेल पेंट रिमूवर से उतार सकते हैं। तो ये इस तरीके से आपकी बॉटल एकदम नई भी दिखेगी और इजीली आपका काम भी हो जाएगा। अब देखते हैं, अगर आपके पास घर पे बासमती चावल रखे हैं और आपको खीर बनाने का मन कर रहा है, तो आप ये वाला तरीका आजमा सकते हैं। बस चावल को एक दो बार धो लीजिएगा और उसके बाद में मिक्सी के जार में इसे डाल दीजिए और बस हल्का सा आपको कुछ सेकेंड के लिए ब्लेंड कर लेना है। कुछ 5 सेकंड के लिए आप ब्लेंड कर लेंगे तो ये इस तरीके से टूट जाएंगे। और उसके बाद में दूध को गर्म करें और ये चावल आप उसमें डाल दीजिए। थोड़ा सा मैंने पानी डाल करके सारे जो चावल जार में थे वो डाल दिए, और इसके बाद में आप बस जैसे नॉर्मल खीर बनाते हैं वैसे आप बना लीजिएगा। आपकी खीर बहुत ही क्रीमी बनेगी और इसका टेक्स्चर भी बहुत ही अच्छा आएगा। तो दूध अलग और चावल अलग अजीब सा नहीं दिखेगा, बहुत ही अच्छी और बहुत ही घुटी हुई जो खीर होती है, जो कई घंटों तक पकाने के बाद में बनती है, उस तरीके की आपकी क्रीमी टेक्सचर वाली खीर बन करके तैयार हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ ये वाला ट्रिक आपको अच्छा लगा होगा। अब मैंने आपको हेयर ड्रायर से तो उतारना दिखा दिया किस तरीके से हम स्टिकर को उतार सकते हैं प्लास्टिक के कंटेनर से। तो इसी तरीके से बर्तन को भी हम गैस पर रख करके हाई हीट पर आप बर्तन को गर्म कर लीजिएगा। चाहे स्टिकर ऊपर लगा हो या फिर स्टिकर साइड में लगा हो बर्तन के, इजीली उतर जाता है। बस आपको गैस पे इसे गर्म होने के लिए रख देना है। कुछ भी पानी या कोई भी चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है बर्तन में, हाई हीट पे आप रख दीजिए और इजीली ही स्टिकर उतर जाता है। अब देखते हैं कुछ ऐसा कमाल का तरीका जिससे आप आलू को मैश कर सकते हैं, बहुत ही गर्म उबले हुए आलू को। अगर घर पे पोटैटो मैशर नहीं रखा और गरम गरम आलू आपको कद्दूकस करने पड़े या फिर आपको मैश करने पड़े, तो आप ये वाला क्विक वाला तरीका यूज़ कर सकते हैं। 2 कटोरी को आपस में फंसा लीजिए, चिंता ना करें, ये वापस से निकल जाएगी। मैंने आइडियाज़ तो शेयर कर ही रखे हैं, बस कटोरियों के बीच में थोड़ा सा तेल डाल करके ट्विस्ट करेंगे तो ये निकल जाती है। बस 2 कटोरी आपने इस तरीके से ऊपर नीचे फंसा ली है। अब आप ये आपका जुगाड़ वाला पोटैटो मैशर तैयार हो चुका है और बस इस तरीके से आप गरम गरम आलू को मैश कर सकते हैं। तो आपको ना तो कद्दूकस करने में कई देर लगानी पड़ेगी, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, मेहनत नहीं लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, और इस तरीके से बस आप मैश करेंगे तो ये इजीली मैश भी हो जाएगा। और आप इसके चाहे पराठे बनाएं या जो आपका मन करे वो बनाएं। तो आलू को अगर मैश करना है तो ये तरीका आप इजीली आज़मा सकते हैं। तो आलू भी अच्छे से मैश हो चुके हैं और ये जुगाड़ बहुत ही अच्छे से काम करता है, तो आप भी आज़मा सकते हैं। अब देखते हैं मलाई से घी किस तरीके से फटाफट बनाया जा सकता है। अक्सर हम मलाई से मक्खन बनाते हैं और उसके बाद में हम घी बनाते हैं, तो आज मैं एक क्विक वाला तरीका आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ जिससे आपकी मेहनत नहीं लगने वाली है। तो बस मलाई को निकाल करके रख दीजिएगा आधे घंटे के लिए जिस भी बर्तन में आपको घी बनाना है, और इसे डायरेक्ट ही आप गैस पर रख दीजिएगा। तो जितना टाइम नॉर्मल मक्खन से घी बनने में लगता है, उतना ही टाइम मलाई से घी बनने में लगेगा, और ये बहुत ही क्विक और इजी तरीका है। मैंने ट्राई किया था तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, उसके बाद में मैं यही तरीका आजमाती हूँ। तो इससे आपकी ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है, घी मलाई से मक्खन निकालने में बहुत ज़्यादा मेहनत लग जाती है, तो ये भी बहुत ही क्विक और इजी तरीका है, मेरे लिए काफ़ी यूज़फुल रहा, तो मुझे लगा आप लोगों के साथ भी इसे शेयर करना चाहिए। तो यह आप देख सकते हैं लगभग 15 मिनट में मेरा ये घी तैयार हो चुका है और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, लगभग 2 किलो घी बना है, और
बहुत ही क्विकली ये बन गया। तो आप देख सकते हैं घी कितना साफ और कितना अच्छा बना है। अब गर्मियाँ आ गई हैं और गर्मियों के आते ही सूजी में इस तरीके से जाले या फिर जो कीड़े हैं वो लगने लगते हैं। तो जैसे ही जाले लगने लगे तो आप समझ जाइए अब आपकी जो सूजी है वो ख़राब होने वाली है। तो इसे तुरंत ही आप कढ़ाई में डाल करके इसे भून लीजिएगा 2-3-4 मिनट के लिए मीडियम हीट पर, ताकि ये थोड़े से भून जाए, ताकि इसमें फिर कोई जाले या फिर कीड़े वगैरह ना लगें, नहीं तो हमारी सूजी ख़राब हो जाती है और फिर इसे वापस हमें फेंकना ही पड़ता है। तो बस अब ये ठंडी हो चुकी है, इसके बाद में आप इसे कंटेनर में डाल करके स्टोर करके रख सकते हैं। और इस तरीके से सूजी लंबे टाइम तक ख़राब भी नहीं होती है और एकदम फ्रेश बनी रहती है। अब देखते हैं इसी तरीके से हम मूंगफली को भी स्टोर करके रख सकते हैं। आप चाहे तो माइक्रोवेव कर सकते हैं या फिर सीधा गैस स्टोव पे भी आप इसको भून सकते हैं। भूनने से इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। जैसे सूजी है, मूंगफली है या फिर इस तरीके से जो सेवियां होती है, बैम्बिनो होती है, इसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। बस बैम्बिनो को आप भून लीजिए, या तो आप इसे कढ़ाई में भून सकते हैं गैस स्टोव पे, या फिर माइक्रोवेव करके भी आप 2-3 मिनट के अंदर अपने बैम्बिनो को या सूजी को या फिर मूँगफली को भून सकते हैं। तो इस तरीके से शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है और गर्मियों में ये सेफ भी रहती हैं, फ्रेश रहती हैं, ख़राब नहीं होती है। गर्मियों में जब लाइट चली जाती है कई देर तक तो फ्रिज में अजीब सी स्मेल होने लगती है। तो ये वाला तरीका आप आजमा सकते हैं अपने फ्रिज में से बैड स्मेल को हटाने के लिए। तो ये जो ब्रेड स्लाइस है ये बैड स्मेल को एब्जॉर्ब कर लेता है। बस इसको आप बाद में तोड़ करके फेंक सकते हैं या फिर चिड़िया वगैरह को दे सकते हैं, किसी जानवर को खिला सकते हैं। ब्रेड का जो फर्स्ट वाला या लास्ट वाला हिस्सा होता है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं बैड स्मेल को एब्जॉर्ब करवाने के लिए फ्रिज में से, या फिर आप ब्रेड की कोई भी स्लाइस ले लीजिए, फ्रिज में रख दीजिए, फ्रिज को बंद कर दीजिए और 2-3 घंटे ब्रेड को ऐसे ही रहने दीजिए और फिर आप इस ब्रेड को डिस्कार्ड कर दीजिए। अब देखते हैं गर्मियों की एक बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही क्विक वाली कुल्फ़ी की रेसिपी। आप चाहे तो कुल्फ़ी बना सकते हैं या पॉप्सिकल कह सकते हैं। तो यहाँ मैंने 2 ग्लास दूध ले लिया है, बस इसको थोड़ा सा गर्म करना है यानी गुनगुना कर लेना है। और इसके बाद में आप MTR का जो बादाम मिक्स आता है वो लेकर के मस्त ज़बरदस्त कुल्फ़ी को झटपटी बना सकते हैं बिना मेहनत के। अब बस यहाँ पर 2 ग्लास दूध के लिए मैं 2 पैकेट का ये बादाम मिक्स डाल रही हूँ और ये 5 रुपये में मिल जाता है। तो बहुत ही इजीली और बहुत ही सस्ते दाम में टेस्टी वाली कुल्फ़ी आप घर पे ही बना सकते हैं। विस्कर से या फिर स्पून से अच्छे से इन सब को मिक्स कर लीजिएगा। दूध में ये अच्छे से मिक्स हो गया है और आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी सारे जो नट्स हैं वो सब इसमें आए हैं, केसर है, तो कलर भी आपकी कुल्फ़ी का बहुत ही अच्छा आता है। वैसे तो ये मीठा होता है लेकिन आपको ज़्यादा मिठास चाहिए तो थोड़ा सा आप इसमें चीनी और डाल करके मिक्स कर लीजिएगा और इसे आप कुल्फ़ी मोल्ड में डाल लीजिए। अगर कुल्फ़ी मोल्ड घर पर ना हो तो आप किसी भी छोटे ग्लास वगैरह में आप इनको सेट कर सकते हैं। और ये जो बादाम में मिक्स वाला जो दूध है ये भी ऐसे ही पीने में बहुत ही डिलीशियस लगता है। तो ये मैंने कुछ कुल्फ़ी मोल्ड्स में डाल दिया है और कुछ ऐसे ही पीने के लिए बच्चों को मैं दे रही हूँ। तो ये अच्छे से सेट हो गई है, 7-8 घंटे में सेट हो जाती है हमारी ये ज़बरदस्त कुल्फ़ी या पॉप्सिकल्स आप कह सकते हैं। और ये ईजिली डीमोल्ड हो जाती है कुल्फ़ी मोल्ड से, 2-3 मिनट आप इसे फ्रीज़र से बाहर रखेंगे तो। और ये देखिए बहुत डिलीशियस है और बहुत ही टेस्टी है। तो आप इन गर्मियों में इस झटपट वाली रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी बनती है। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छी और यूज़फुल ज़रूर से लगी होगी। आज की वीडियो में सबसे अच्छा और बेस्ट वाला टिप आपको कौन सा लगा है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताएं। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक के बिना बिल्कुल भी ना जाएं, क्योंकि आप अपने लाइक के ज़रिए मुझे मोटिवेट करते हैं। इस तरह की यूज़फुल वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए शेयर करती रहती हूँ, तो लाइक ज़रूर से कीजिएगा और शेयर कीजिए इस यूज़फुल वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स में, ताकि ये कुछ टिप्स उनके भी काम आ सके, उनका भी किचन का काम आसान और बेहतर बन सके। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे की आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।